नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए होगा और 26 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के लिए होगा। सबसे पहले तो एक खास बात आपसे कहूँ, वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं, चाहे आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये सामान्य स्तर पर होते हैं क्योंकि ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं। इसलिए इसे सामान्य स्तर पर और सार्वजनिक स्तर पर माने। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो उसके लिए कुंडली दिखाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ एनालिसिस किया जाता है, तब जाकर के एक जानकारी निकल के आती जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपको अपने ग्रहों के गोचरों के बारे में पता चल जाता है कि भाई इस सप्ताह मेरे ग्रहों के गोचर कैसे होने वाले हैं, कहाँ पर मुझे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कहाँ पर मेरे लिए खुशखबरी है। तो राशिफल जानना भी बेहद जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यदि आपसे कहूं तो कहने कहीं चिंता, तनाव या आने वाले वक्त के लिए फिजूल की चिंता जो है वो आपको यहां पर सता सकती है। लेकिन धन के दृष्टिकोण से बात करें, जायदाद के दृष्टिकोण से बात करें तो मुझे यहां पर उन्नति बनती हुई नजर आती है सप्ताह के लिए। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो नौकरी और व्यवसाय में मुझे आपकी उन्नति दिखती है, इवन आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। हो सकता है इस सप्ताह इंक्रीमेंट ना हो लेकिन उसकी फाइल आपकी आगे बढ़ सकती है और ये बात श्योरिटी हो सकती है कि आने वाले वक्त में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन वही बात की फिजूल की चिंता, अरे यार ये फाइल आगे बढ़ तो गई, ये होगा कि नहीं होगा, तो फिजूल की चिंताएं जो है वो यहाँ पर आपको सता सकती है। वर्क लोड भी ज़्यादा आपको लग सकता है, कार्य की अधिकता भी आपको यहाँ पर ज़्यादा लग सकती है। वहीं बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में भी देखिए उन्नति तो है, बिजनेस में भी आपको जो है वो धन के दृष्टिकोण से बात करें तो बिल्कुल आपको धन मिलेगा, आय होगी अच्छी, लेकिन आने वाले वक्त के लिए फिजूल की चिंताएं जो है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा सताएंगी। यदि हम चर्चा करें आर्थिक स्थिति की तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जायदाद में वृद्धि के योग हैं, तो जायदाद में वृद्धि ये चीज़ ऐसी हो सकती है कि पैतृक संपत्ति कोई हो और कहीं वाद विवाद की स्थिति चल रही हो और उसमें आपको यहाँ पर आपकी जायदाद या आपका कोई हिस्सा है वो आपको यहाँ पर उतना मिल जाए जितने की आप उम्मीद कर रहे थे, तो ऐसे बिल्कुल योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये कहूँगा कि देखिए सफलता तो ज़रूर है लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई रिजल्ट आने वाला है किसी एग्ज़ाम का या कोई एग्ज़ाम आने वाली है, उसको लेकर के चिंताएं ज़रूर से आप करेंगे। हालांकि मैं प्रैक्टिकली ये कह दूँ कि यदि इस समय कोई रिजल्ट आने वाला है तो पॉजिटिव रहेगा, या फिर कोई रिजल्ट नहीं भी है तो आपकी जो पढ़ाई है वो पॉजिटिव ज़रूर से चलेगी, उसमें लगन आपको अच्छी लगेगी और आप सही दिशा में सही डायरेक्शन में पढ़ाई भी करेंगे। फिजूल की चिंताओं से निकलने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति की बात हमने कर ली, अब पारिवारिक स्थिति की बात करें, पारिवारिक माहौल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वहाँ पर तनाव की स्थिति मुझे दिखती है। हालांकि पास के रिश्तेदारों में भी उतना खास सामंजस्य मुझे बनता हुआ नजर नहीं आता, पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी उतार चढ़ाव में ज़रूर से यहाँ पर रहेगी। परिवार का सहयोग ना मिल पाए, साथ ना मिल पाए, ऐसे योग मुझे बनते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं, तो पारिवारिक स्थिति को और मजबूत और अच्छी करना बेहद ज़रूरी है। यदि हम बात करते हैं स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और फाइनली प्रेम प्रसंग की चर्चा करें तो प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से परिवार का सहयोग ना मिले, साथ ना मिले या अपने पार्टनर का साथ ना मिले, सहयोग ना मिले, ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। और प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से वक्त उतना अच्छा मुझे नहीं दिखता, तो चिंताएं जो हैं वो आपको यहाँ पर सता सकती है, परेशान आपको कर सकती है। चूंकि आपको बदले में चीज़ें मिलेंगी भी, आपको सफलता मिल जाएगी, तो मानसिक स्थिति कम से कम इस विषय में सामान्य हो जाएगी, लेकिन चिंताओं से, फिजूल की चिंताओं से निकलने का आपको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।